हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कारक। और कारक को आज इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जिंदगी में आप कभी भूल नहीं पाएंगे और एग्जाम में तक गर्दा छुड़ा के आएंगे, है कि नहीं। अब कहेंगे सर इतना जब कह दिए तब पढ़ावे ला स्टार्ट कीजिए, एकदम पढ़ाते हैं और मजा से और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जिससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए आज का टॉपिक है कारक, और कारक जो है सबसे पहला आपके मन में यह प्रश्न आता है कि सर कारक किसे कहते हैं। आइए समझाते हैं सर कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है वह कारक कहलाता है। अब कहेंगे सर आप तो पढ़ दिए हमको समझ में नहीं आया। अरे नहीं समझ में आवे तो आप में कोनो दिक्कत नहीं, टीचर ही खराब है, आपको समझाएंगे तब भी हमारा अच्छा कहिएगा, ठीक है। देखिए हमने लिखा राम ने रावण को मारा। अब देखिए राम जो है ये क्या है, संज्ञा है कि नहीं है सर, नाम है तो नाम को ही तो हमने के संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बदले में जिस चीज का हम लोग उपयोग करेंगे उसे जो है क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। और कहेंगे सर ये सब कहिए आप पढ़ा दिए, तारे एक दो दिन पीछे ही अभी पढ़ाए हैं हम आपको संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद लिंग वचन भाषा शब्द वर्णमाला सब आपको पढ़ा दिए हैं। नहीं विश्वास है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है ऐप का SGS क्लासेस का, उसको डाउनलोड कीजिए अपन फोन में, उसके बाद उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और हिंदी का कोर्स खोलिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हम का का पढ़ा दिए हैं। उसका एक एक चैप्टर का जो है पीडीएफ नोट्स है उसमें, उसका एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स है, एक एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज हमने डाला है। जो भी चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाई होता है उसका टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, उसका नोट्स जो है एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। तो देर कौन बात के है, हिंदी में आप 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, है कि नहीं। अब कहेंगे सर का भरोसा है कि 100 आइए जाएगा, तो अपन अगल बगल के जो इस बार पास किया है सब 2023 में तो उसे जाकर पूछ लेना कि सनी सर कैसन पढ़ाते हैं, उसके बाद या नहीं तो तुम भी पढ़ के देख लो कैसन है, है कि नहीं। चलो मजा हम दिलवाते हैं। देखिए राम ने रावण को मारा, तो राम जो है यहाँ पे संज्ञा है, अब यहाँ पे वह लिखल रहता तो वह जो है सर्वनाम हो जाता, राम की जगह हटा के वह लिख देते तो सर्वनाम। तो ई जो है क्रिया, देखिए मारने का काम कर रहे हैं राम जो है, मारने का काम कर रहे हैं, तो इसके बीच में संबंध कौन दर्शा रहा है, तो ये वो ने हो गया, राम ने रावण को मारा, तो ये सब ने और को ये सब संबंध बताने का काम कर रहा है, तो ने और को ही जो है कहलाएगा कारक। बात आपको समझ में आ गई। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताता है उसी को हमने के कारक कहते हैं। जैसे ये शनि सर खाना खाते हैं, शनि सर ने खाना खाया, शनि सर ने क्या किया, खाना खाया, शनि सर एगो नाम है, संज्ञा हो गया, हम का काम कर रहे हैं, खाना खाने का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में संबंध कौन दर्शाया, शनि सर ने खाना खाया, तो ने जो है यहाँ पे कारक हुआ। शनि सर ने पढ़ाया, शनि सर संज्ञा है, नाम है शनि सर तर संज्ञा है, ठीक है। पढ़ाया, पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में हम कौन सा वर्ड डाले हैं, ने, शनि सर ने पढ़ाया, तो ने जो है यहाँ पे कारक हुआ। अब आपको समझ में आया, आपने पढ़ा तो आप क्या हो गए, आप सर्वनाम हो गए, काहे कि संज्ञा के बदले में उसका हम लोग उपयोग किए हैं। आपने पढ़ा आप सर्वनाम हो गए, पढ़ा वाला आपने काम किया, लेकिन बीच में कौन आया है, आपने पढ़ा, तो ने जो है यहाँ पे कारक हुआ। समझ में आया दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए उसने उसको पढ़ाया, देखिए उसने यहाँ पे सर्वनाम है और उसको पढ़ाया, को उसको पढ़ाया यार, तो उसको पढ़ाया तो को जो है यहाँ पे काम का कर रहा है, को जो है काम कर रहा है संबंध को बताने का। जैसे मान के चलिए शनि सर ने शादी किया, शनि सर ने शादी, अब ने को हटा दिया जाए तो का शनि शादी किया, तो ये कुछ बन रहा है बनिया, नहीं शनि सर ने शादी किया, तो ने जो है यहाँ पे कारक हुआ। बात आपको समझ में आ गई, ये तो बनिया से तरीके समझ में आता है कि नहीं। अब आपसे वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देवे कि भाई बताओ कारक के वो भेद होखेला,
तो कारक के जो है 8 गो भेद होता है। ये बताओ आपको मालूम है, एकदम मालूम होना चाहिए, पूछ देता है, गड़बड़ा जाते हैं काहे। तो लैकन दसवां में पढ़ के आया है कि संस्कृत में कारक के 6 गो भेद होता है, तो दसवां वाला संस्कृत याद नहीं रखेला है आपको, जो है 12th वाला हिंदी याद रखेला है कि हिंदी में कारक के 8 गो भेद होता है, 8 गो, संस्कृत में खाली 6 गो होता है, हिंदी में 8 गो। अब कहेंगे सर ये 8 गो होता है तो कौन कौन होता है, तो नहीं बताइए, तो एकदम बताएंगे और चिन्ह के साथ हम आपको बताएंगे, देखिए कितना मजा आएगा। देखिए ये जो है विभक्ति है, कारक है और ये कारक चिन्ह है। आप कैसे बचपन में याद किए थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पैपर संबोधन हे अरे अजी अहो, इसमें आप याद किए हैं, एकदम आप याद किए हैं। अब कहेंगे सर ये विभक्ति काहेला आप लिखे हैं, देखिए काहेला लिखे हैं, कहेगा कि पहचानिए कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक आपने पहचान लिया कि जौन से वाक्य में जो है ने लगल रहे तो कर्ता कारक है, ठीक है कर्ता कारक है। कभी कभी यो पूछ देता है कि कर्ता कारक में कौन विभक्ति लगता है, तो आपको बताना होता है प्रथमा विभक्ति लगता है कि नहीं। कभी कभी ये पूछ देता है कि मान के चलिए आपने पहचान लिया कि संप्रदान कारक है, आप देख लिए कि लिखल है सनी को पढ़ाया, ठीक है पढ़ाया, यहाँ पे हमने लिख दिया सनी को पढ़ाया, को देख लिए आप तो कह दिए कि ये सनी तो संप्रदान कारक है। आ ये क्वेश्चन आपकी पलट के पूछ दिया कि सनी को पढ़ाया में कौन सा विभक्ति लगल है, आप क्या बताएंगे, तो आपको पता रहेगा तब ना कि चतुर्थ विभक्ति लगल है कि नहीं। ये सब होता है मजा वाला सब्जेक्ट, ऐसे ही मजा ले लेके जो है आपके लिए नोट्स बनाया गया है, आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया है कि आप बोर्ड में जो है एकदम फार के चलाइए, है कि नहीं। चलिए तो ये तो आपको बचपन में पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का की के अधिकरण में पैपर संबोधन है अजय अरे ओ, ये सब तो होता है। तो 8 गो जो है कारक के भेद होता है, बात आप समझ गए सर, मजा वाला बात। अब आगे पढ़ेंगे, अब आपके मन में ये प्रश्न आया कि सर एक ही गो के आप परिभाषा बता देते न तो और मजा आ जाता, देखिए मजा हम आपको दिलवाते हैं, मजा देखिए। कारक पहला हम आपको पढ़ाएंगे, कर्ता कारक किसे कहते हैं, देखिए जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। मान के चलिए सनी ने पढ़ाया, हाँ कौन पढ़ावे के काम कौन कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे कर्ता हो गए, और कर्ता को ही हम लोग कहते हैं संस्कृत में कर्ता कारक। देखिए देखिए क्या लिखा है, संस्कृत में कर्ता को ही कर्ता कारक कहते हैं, इसका चिन्ह जो है होता है ने होता है, ने का चिन्ह। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन ने खाया, इसमें आपसे पूछ देवे कि कर्ता कारक कौन है भाई, तो इसमें खाए वाला कौन काम कर रहा है, तो हम आ हमारा और खाना के बीच में संबंध कौन बता रहा है, तो मोहन ने खाना खाया, तो ने जो है यहाँ पे कौन सा कारक है भाई, कर्ता कारक है। अब एक एग्जांपल से समझिए कि मान के चलिए ने को हम लोग हटा दिए, तो मोहन खाया, अरे खाया कि नहीं खाया कौन जानता है, मोहन ने खाया, उसको पर्सनली हम लोग खाना से जोड़ दिए कि मोहन ने ही खाया था, ठीक है और कोनो नहीं खेले होगा, तो ने जो है यहाँ पे का काम किया है, तो ने जो है ये कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध बताया है, तो इसीलिए ये जो है कर्ता कारक कहलाया, ठीक है कर्ता कारक के पहचान कि ने लगल रहेगा, ठीक है ने मतलब कि वो ने नहीं, ठीक है। इधर देखिए, अब कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मान के चलिए सनी सर ने आपको पढ़ाया, सनी सर ने आपको पढ़ाया, हम जो है पढ़ा रहे हैं तो कर्ता है भाई, कर्ता कारक ने एकरा में लगल है, तो हम पढ़ा रहे हैं तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आप पर पढ़ रहा है, काहे कि हम का बोले हैं सेंटेंस, सनी सर ने आपको पढ़ाया, अरे सीख तो आप ही रहे हैं, प्रभाव तो आप ही पे पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे हो गए
कर्म कारक, कर्म कारक जेकरा पे प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं कर्म कारक। बउआ जी समझ गए, देखिए ये तो लिखल है कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए सोहन आम खाता है, अब सोहन आम खा रहा है तब प्रभाव किकरा पे पड़ रहा है भाई, अमुआ के नोच के खाएगा तो अमुए पे प्रभाव पड़ेगा है कि नहीं। तो यहाँ पे कर्ता तो ये हुआ, निकल है सोहन मोहन को पीटता है, सोहन क्या करता है तो मोहन को पीटता है, तो यहाँ पे कर्ता कर्म कारक कौन हुआ, कर्म कारक बताइए। तो कहेंगे सर सोहन पीट रहा है तो चोट तो मोहन के लग रहा है, तो मोहन पे प्रभाव पड़ रहा है, तो मोहन यहाँ पे कर्म हो गया, कर्म कारक। एकरा में जो को लगल है ये जो है कर्म कारक के चिन्ह है बबुआ, समझ में आवल ठीक बटे। तो ये समझ में आ गया सोहन मोहन को पीटता है, तो ई में जो है को जो लगल है ये जो है कर्म कारक के पहचान है। ठीक है सर, जैसे हमने कहा कि सनी सर ने एक कुत्ता को मारा, हम मान रहे हैं तो केकरा पे प्रभाव पड़ा है, कुत्ता पे प्रभाव पड़ा है, कुत्ता यहाँ पे कर्म कारक है। बात आपको समझ में आ गई, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो जो काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं, और संस्कृत में कर्ता को ही कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने खाया, राम यहाँ पे कर्ता है। ठीक है, और ये संबंध बता रहा है ने, तो ने यहाँ पे कर्ता कारक का चिन्ह है कि नहीं सर। अब आपसे पूछ देवे कर्ता कारक में कौन विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है कि नहीं, उसी प्रकार कर्म कारक का है। तो कर्ता द्वारा किया गया काम जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव पड़ता है उसे ही हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सोहन आम खाता था तो आम पे प्रभाव पड़ा था सर, सोहन मोहन को पीटता है तो मोहने को चोट लग रहा था, प्रभाव मोहने के पड़ रहा था तो मोहन यहाँ पे जो है कर्म कारक हुआ है कि नहीं। मजा नहीं आवे, समझ नहीं आवे तो समझिए कि हमको पढ़ावे नहीं आवे। ठीक है, अब देखिए कर्म कारक का हुआ, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे कर्म कारक कहते हैं। जो वस्तु किसी काम को करने में मदद करता है, सनी सर ने डंटा से उसे पीटा, हमारा पीटे में कौन चीज काम आया है तो डंटा आया है, तो डंटा यहाँ पे क्या हुआ तो डंटा यहाँ पे हो गया कौन, तो कर्म कारक। सनी सर ने कलम से पढ़ाया तो हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं काची से, कलम से, तो ये तो मदद कर रहा है। तो जो काम को करने में मदद करता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, और कर्म कारक के चिन्ह का है से, द्वारा। देखिए मैं कलम से लिखता हूं, मैं लिखे के काम कर रहा हूं, लेकिन काची से मदद कौन कर रहा है, कलम कर रहा है भाई, तो कलम यहाँ पे जो है करण है। ठीक है, आ करण कारक का संबंध जब क्रिया से बताया जा रहा है तो से बता रहा है, यानी से जो है यहाँ पे करण कारक के पहचान चिन्ह है। आपको समझ में आती है दोस्त, बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। जैसे हमने कहा मैंने आपको लाठी से पीटा, इसमें जो है आप क्या कहेंगे कि कौन सा कर्म कारक है, तो आप कहेंगे सर आप लाठी से मारे हैं, तो लाठी से हमने मदद लिया है, लाठी से, लाठी यहाँ पे कर्म कारक है भाई, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है अर्थात विभक्ति को के लिए होता है, जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है, हम जो है पढ़ा रहे हैं, सनी सर ने पढ़ाया, सनी सर ने आपको पढ़ाया, यहाँ पे पढ़ाने का काम हम किसको कर रहे हैं सर, हम आपको कर रहे हैं, तो आपके लिए हम किए हैं काम, तो आप जो है यहाँ पे क्या हो गए सर, तो आप जो है क्या हो गए, तो यहाँ हो गए संप्रदान कारक। फिर से समझिए, देखिए राम ने श्याम को पुस्तक दी, यहाँ पे राम जो है किसके पुस्तक किसको दिया है, किसको दिया है पुस्तक, तो यहाँ पे आप कहेंगे श्याम को दिया है, तो जिसके लिए कोई काम करता है तो वही कहलाता है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं वही कहलाता है संप्रदान कारक।
देखिए जिस पे प्रभाव पर रहा था उसे हम लोग कर्म कारक कर रहे थे, ठीक है, प्रभाव पर रहा था, लेकिन यहाँ पे जिसके लिए हम लोग कोई काम करते हैं उसे संप्रदान कारक कहते हैं। राम जो है पुस्तक किसके लिए खरीदा था, श्याम के लिए, तो श्याम के बाद जो है आएगा संप्रदान कारक के चिन्ह, है आपको समझ में आनी चाहिए। फिर लिखल है राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, फिर यहाँ पे राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदा है, जिसके लिए हम लोग कोई काम करते हैं उसी को हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। बात आपको समझ में आती है सर हम क्या कहना चाहते हैं, और संप्रदान कारक के चिन्ह है को या के लिए, ठीक है। जैसे हमें कोई एग्जांपल बोले, सनी सर के लिए आपने एक गिफ्ट दिया, सनी सर के लिए आपने एक गिफ्ट दिया, आप जो है किसके लिए काम किए, किसको गिफ्ट दिए, मेरे को गिफ्ट दिए भाई, तो यहाँ पे मेरे लिए आप कुछ काम किए हैं, तो मैं यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया ना। बातें आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, तो ये बहुत तेज है सब यार, ठीक है। आई सब जो है मजा आ रहा होगा तोनियों के परे में, ये सब बउआ वाला टॉपिक है। अब प्रदान कारक किसे कहते हैं, पांचवा भेद में हम लोग आ गए हैं। देखिए अगर क्रिया के संपादन से कोई वस्तु अलग हो जाए उसे अपदान कारक कहते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह जो है से होता है, और कहेंगे सर कर्ता ने कर्म को करण से, करण से करण में भी जो है से आया था सर, आ इसमें भी आप कह रहे हैं से आएगा, तो इसमें जब से होगा प्रयोग अपदान कारक में तो अलग के लिए होगा, बिछड़ाव के लिए होगा। आइए आइए तनी समझाते हैं। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़वा में सटले रह जाएगा कि दोनों जो है बिछड़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे छात्र कमरे से बाहर निकले, जब छात्र कमरा से बाहर निकल गए तो उनका गोर अभी कमरे में रहेगा, नहीं बिछड़ाव के लिए। अपादान कारक का उपयोग जो है बिछड़ाव के लिए किया जाता है, जब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपके घर से बाहर निकले, हम आपके घर से बाहर निकले, जब आपके घर से हम बाहर निकल गए भाई तो घर में आपके साथ हमारा कोनो रिलेशन ही नहीं रहा, है कि नहीं। हमने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया, कमरा और आपके बीच जो है दूरी आ गया, है कि नहीं। तो जब यहाँ पे से जो है अलगाव के लिए होता है बात से का, तो उसे हम लोग अपदान कारक कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, एकदम समझ में आई होगी। अलगाव के लिए जो है हम लोग से का प्रयोग करते हैं, तो वो समझिए का है अपदान कारक है, ठीक है। अब जो है हमने के नेक्स्ट संबंध कारक पे आते हैं, नाम में ही एक परिभाषा छुपल है। देखिए कैसे संबंध, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। कैसे, तो इसका चिन्ह जो है का की के होता है, काका काकी के से, काका से काकी से, ये सब संबंध होता है कि नहीं होता है, ये सब ट्रिक की बात है कि नहीं। देखिए जैसे कि मोहन का घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पे घोड़ा जो है केकर है, मोहन के है, संबंध तो पता चल गया कि अरे घोड़वा मोहने के है, संबंध किससे पता चला है, का से पता चला है, का जो है यहाँ पे संबंध कारक हुआ दोस्त। देखिए मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, ये जो घोड़े इतना सारा है, कल ही वचन पढ़े थे घोड़ा लिखल है तो एक घोड़ा, आई जो घोड़े लिखल है मतलब कि बहुवचन, ये बहुत सारे घोड़े के कर दौड़ रहा है, तो मोहन के, ये दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, के यहाँ पे संबंध कारक हुआ। मोहन की घोड़ी दौड़ती है, और मोहन की वो घोड़ी भी है जो दौड़ रही है, तो मोहन और घोड़ी के बीच में संबंध की बता रहा है, तो संबंध कारक है कि नहीं। ये सब तो बउआ वाला, उसका घोड़ा दौड़ता है, उसका घोड़ा दौड़ता है, अब केकर घोड़ा है हम क्या जाने गए, इसमें कुछ है नहीं है, तो ये सब जो है आपको पहचाने आना चाहिए। जिस दिन आप ये याद कर लिए नो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का की के, अधिकरण में पैपे, संबोधन हे अरे अजे अहु, तो ये सब जो है आपके लिए होता पौआ के खेल है कारक पहचानना, है कि नहीं। और आपको फिर से दिक्कत होके, आपको कुछ नहीं करना है,
आपको एप्लीकेशनवा में जाके लगभग हम आपके लिए जो है लगभग 70 को क्वेश्चन डाले हैं, वो कारक वाला जो है एप्लीकेशन के टेस्ट दे दीजिएगा, आपके कारक जो है खेले खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए संबंध कारक जो है आप देख लिए, तो अब जो है हमने के मजा वाला बात करते हैं आगे। देखिए ये दूगो बचल है लेकिन वाला बात, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, जिसे क्रिया का आधार के ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया कहां पे हो रहा है उसका जब सतह मालूम होता है तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल से देखिए, चिन्ह जो है में पे पर होता है। देखिए शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, आपको आधार पता चला, शिक्षक जब भी पढ़ाएंगे भाई ये वो वर्ग में पढ़ाएंगे, आपको पेड़ पर जाके पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे पता चला कि नहीं शीर्षक जो है वर्ग में ही पढ़ा रहे हैं, तो वर्ग जो है यहाँ पे अधिकरण कारक हुआ। इसके बाद जो चिन्ह आप में देख रहे हैं ये जो है अधिकरण कारक के चिन्ह हुआ। आइए महेश छत पर बैठा है, भाई महेश के तो पता चल गया कि वो बैठल कहाँ है, जमीन पे नहीं छत पे बैठल है, पता चला कि उसका आधार का है, छत पे बैठल है, तो छत जो है यहाँ पे अधिकरण कारक हुआ, है कि नहीं। सिंपल सी भाषा में निकल ले, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण, यानी काम कहाँ पे हो रहा है। इधर जो है मोहन महेश बैठल है लेकिन कहाँ पे बैठल है, छत पे बैठल है, हमको आधार तो पता चल गया सर, तो उसी को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। मजा आ रहा है ना आपको, मजा आवे तो समझिए कि पढ़ाई जो है बहुआ के खेल है, नहीं मजा आवे तो समझिए कि सब ढेर भारी है कि नहीं। पढ़िए वहां जहां आपको मजा आए। संबोधन कारक, जिस संज्ञा से किसी की पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। फिर से जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे जो है संबोधन कारक कहते हैं। अरे है ना सुन, ऐसे कहते हैं कि नहीं हमने के गुआ में, अरे है ना सुन, अरे तो अरे यहाँ पे संबोधन हो गया भाई। ठीक है, देखिए देखिए, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे आपने बोला, हे जो है संबोधन, आपने ईश्वर को हे बोला भाई, है कि नहीं। अरे दोस्त जरा इधर सुनो, अरे दोस्त तनी ने सुनो, अरे यहाँ पे क्या हो गया संबोधन, आपने उसे संबोधित किया, जिसे कहा आप कहेंगे ए सनी सर, इन्हें सुनिए ए सनी सर, ए ए सनी सर, तो ए से आपने मुझे संबोधित किया, ए जो है यहाँ पे संबोधन कारक, यानी जिस संज्ञा सर्वनाम से हम किसी को संबोधित करते हैं उसे ही संबोधन कारक कहते हैं, है कि नहीं। ये सब बहुआ वाला बात है कारक भाई, है कि नहीं। अब कारक के खेला खत्म हो गया, अब कारक के हमर आपसे रिक्वेस्ट है भाई, जाके आपको टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके बाद एक बार जो है नोट्स पढ़ लीजिए, आ अपने से एक बार जो है इसका आंसर लिखिए, आपको पता चलेगा ये इतना आसान है कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, आप अपन बाल बच्चा के भी पढ़ा दीजिएगा। बस जो जो हम काम कहें वो करना है, वीडियो देखने के बाद टेस्ट सीरीज लगाइए या एक बार नोट्स देख लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर अपने से कलम से लिखिए, देखिए कितना आपको मजा आएगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखे हैं वहां तक शेयर करें जहां तक लोगों को जो है ये सब भारी लगता है कि नहीं। वीडियो देखे हैं तो सिंपल सी बातें, अच्छा लगी है तो वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।